गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम सो एक्साइटेड। फेस्टिवल सीजन इज स्टार्टिंग एंड राइट आफ्टर आषाढ़ी एकादशी वी आर सेलिब्रेटिंग गुरु पूर्णिमा एंड आई एम लकी इनफ टू हैव अ गुरु इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। आई हैव बीन लर्निंग फ्रॉम हर सिंस पास्ट 5 years। In addition to music, I have learned so many things from her. Her dedication, her sincerity, her positivity, which has helped me in a lot of aspects of life. And today, we are going to learn one more thing from her, a Bengali special recipe, Alu Poshto. Let me start by introducing my guru, Dr. Gopa Chakravarti. Namaste. Dr. Gopa Chakravarti has done her PhD in music. And she has been performing and training students for many, many years. Dr. Gopa is a very versatile singer. She has been performing in classical, semi-classical and Gujarati folk concerts for last many years. Rightfully titled the Nightingale of Saurashtra, Dr. Gopa is a recipient of the Rashtrapati Award in the year 2012. I request Didi to share a few words with us. आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर तुमने मुझे हमारे चैनल में बुलाया, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि संगीत के साथ तो हम जुड़े हुए हैं, रागों के साथ, सुरों के साथ, ताल के साथ, पर एक रिश्ता अपने कुकिंग के साथ भी है। जैसे हम खाने में नमक देते हैं, हल्दी देते हैं, मिर्ची देते हैं, वैसे ही हमारे संगीत में भी सुर होना चाहिए, ताल होना चाहिए, इमोशंस होना चाहिए। तो मुझे तो बहुत ऐसा लगता है कि रसोई के साथ म्यूजिक का बहुत बड़ा रिलेशन है। आज तुम वो हमारे साथ करने जा रहे हो। देखा दोस्तों, दीदी को सुर और ताल सब जगह दिखाई देते हैं। नो वंडर शी इज अ वंडरफुल गुरु एंड अ वंडरफुल पर्सन। तो दीदी, आप आज क्या सिखा रहे हो? आलू पोस्ट सिखाएंगे। जैसा आलू पोस्ट मतलब आलू, और पोस्ट जो है वो पॉपी सीड, खसखस, हाँ खसखस, जो मिठाई में बहुत लोग यूज करते हैं, पर बंगाली में, खाली बंगाल नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि बिहार, उड़ीसा और बंगाल, ये तीनों स्टेट में पोस्तों का बहुत ज्यादा मतलब यूज हम लोग करते हैं। जैसे हम लोग कुछ कुछ सब्जी में ये सरसों के दाने को जो पेस्ट करके लगाते हैं, उस वैसे तो उसका एक अलग टेस्ट है, मतलब अच्छा लगता है बंगाली लोगों को बहुत। थैंक यू दीदी। चलिए हम खाना बना लें। हम तैयार हैं आलू पोस्तो बनाने के लिए। दीदी बताइए कहाँ से शुरू। हाँ देखो, पहली बात तो ये है कि हम ना सरसों का तेल यूज करेंगे। मैं थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हूँ, इसलिए मैं बहुत ज्यादा तेल यूज नहीं करती हूँ। प्याज को लंबा काटा है अपने, और प्याज को भी लंबा काटा है और आलू को भी लंबा काटा है। आलू पोस्त को गरम गरम चावल के साथ खाया जाता है। आप बारिश का मौसम हो, झमाझम बारिश हो रहा हो, गरम गरम चावल हो और पोस्त हो, दीदी जैसे खाना जुड़ा है बारिश के साथ, संगीत भी बारिश के साथ जुड़ा हुआ है। तो तुम्हें पता है दीपा, बारिश में कौन सा राग गाया जाता है? मल्हार। ओह वाओ, मेरी स्टूडेंट है। मल्हार का प्रकार है मेघ मल्हार, सुर मल्हार, मीरा मल्हार, मिया मल्हार। तो मैं ये आलू इसमें छोड़ दूँ, नहीं तो बहुत ज्यादा ब्राउन हो जाएगा। अच्छा, हम लोग ये आलू पोस्ट व्हाइट ग्रेवी, हाँ यस यस व्हाइट ये आएगा। हम इसको थोड़ा सा ढक देंगे। मैं इसको धीमा आंच में और इसमें इसे पकने दूंगी, तो क्या होगा वो जब उसका मतलब थोड़ा भुना हुआ आएगा,
अब ये तो हो रहा है, तुमने जैसे बताया कि मल्हार, तो मैं ऐसे ऐसे खड़ी रहूंगी कि ये कब पकेगा और मैं तब वेट करूंगी, तो मैं तो इसमें एक थोड़ा सा बंदिश गा लेती हूँ। तो मैं मल्हार का बात छेड़ी है तो बरसे में हा बरसे में हा पवन चलता सो सना सना पवन चलता सो सना सना बरसे में हा क्या बात है दीदी, ये तो मेरे व्यूअर्स के लिए एक बोनस हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी तुम्हारे चैनल को मतलब फॉलो करते हैं तो उन लोगों को थोड़ा संगीत के साथ भी जुड़े होना चाहिए। इसे ना हम लोग सूखा पीसेंगे, अगर हम इसे इसमें पानी डाल देंगे तो इस सही तरीके से पीसेगा नहीं। देखो ये आलू पक गया है, अभी ये नीचे जो आया है ना इसमें थोड़ा सा हम पानी देंगे तो ये जो लाल लाल हुआ है ना वो ऊपर उठ के आ जाएगा। इसका अलग अलग मैंने ऐसे देखा कि हाँ थोड़ा सा हो गया, मतलब ऑलमोस्ट हो गया, अभी इसमें थोड़ा सा हम पानी देंगे। तो पहले सूखा पीस के हाँ, फिर पानी, फिर एक हम हरी मिर्च देंगे ताकि ऐसे टेस्ट, अगर किसी को थोड़ा ज्यादा तीखा खाना है तो वो दो दे सकते हैं। देखो ये पेस्ट बन के ऐसा बना है, पोस्ट तो काफी महंगा होता है और ऐसे इसको वेस्ट भी नहीं करने देने का होता है। अलग का एक खुशबू भी आने लगेगा और पोस्ट तो जैसे देते हैं ना तो उसमें हम थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, ये ऑप्शनल है, देना चाहो तो दे सकते हो, थोड़ा सा कलर आता है पर हल्दी का कलर नहीं चाहिए इसमें। देखो ये सफेद कलर का ही हुआ, हल्का सा हाँ बस, सरसों का तेल का एक अलग सा फ्लेवर है। आलू पोस्तो इज नाउ रेडी टू सर्व। फ्रेंड्स आई एम श्योर यू एंजॉयड दिस एपिसोड एज मच एज आई डिड। ट्राई दिस रेसिपी एंड गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ योर गुरु ऑन द ऑकेजन ऑफ गुरु पूर्णिमा। थैंक यू।